कितना अच्छा होता ना अगर एक हफ्ते में ही हमारे बालों की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, हमें विजिबल रिजल्ट दिखाई देने स्टार्ट हो जाए। तो अब भी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज। अगर आपको भी अपने बालों में विजिबल रिजल्ट देखनी है तो मेरे साथ इस चैलेंज को जरूर फॉलो करें। तो आज है हमारा डे 1। डे 1 के लिए हम एक टोनर प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आपको 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना लेना है। उसे 1 कप पानी में 5 से 6 आर तक भिगो देना है। उसके बाद इसका पानी लेना है। ये थोड़ा सा जेल बेस कंसिस्टेंसी का होगा। इस टोनर को आप स्प्रे बॉटल में डाल लें, नहीं तो आप कॉटन की हेल्प से अपने हेयर की रूट्स में इसे लगाएं और स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट कर दें। इसके बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हेयर वॉश डे 3 को करेंगे। अगर आप भी मेरे साथ इस चैलेंज को कर रहे हैं तो इस चैलेंज के साथ अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हे गाइस, हमारी सीरीज चल रही है, दैट इज 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज, जिसका है आज डे 2। अगर आपको भी अपने हेयर्स में विजिबल रिजल्ट देखने हैं तो आप भी इस सीरीज को डे 1 से फॉलो करें। डे 2 के लिए हम एक ऑयल प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लेना है। उसमें आप एक आंवला को अच्छे से पीस कर डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर आप इस ऑयल को धूप में रख देंगे ताकि ये इन्फ्यूज हो जाए अच्छे से। उसके बाद आपको नाइट में इस ऑयल को अपने हेयर की रूट से लेकर अपनी एंड तक अच्छे से भर भर के अप्लाई करना है। आप इस ऑयल को सीरीज के बाद भी यूज कर सकते हैं। इसे आप 1 वीक तक स्टोर कर रख सकते हैं। इससे विंटर में स्कैल्प से डैंड्रफ की लेयर खत्म हो जाएगी और बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ऑयल अप्लाई करने के बाद आप कोई भी बन बना ले, नहीं तो मेरी तरह ये चोटी बना ले। उसके बाद आपको सो जाना है, हेयर वॉश नहीं करना है क्योंकि कल हम करेंगे हेयर वॉश। कल की रेमेडी के लिए आपको 1 कटोरी चावल भिगोकर रख देना है। तो जल्दी से इस ऑयल को बनाएं और यूज करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय। आज इस सीरीज का डे 3। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, दैट इज 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज। अगर आपको भी अपने हेयर्स में विजिबल रिजल्ट देखने हैं तो डे 1 से रेमेडी स्टार्ट करें। कल हमने ऑयल अप्लाई किया था और मैंने आपको बोला था कि 1 कटोरी चावल में 2 ग्लास पानी डालकर भिगोना है। तो आज आपको इस चावल में से आधा पानी अलग निकाल लेना और आधे पानी को चावल के साथ 5 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद इसके स्टार्च यानी मांड को छान लेना है और इसमें नॉर्मल शैम्पू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपने बालों को अच्छे से वेट करने के बाद नॉर्मली शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। हमने ये डीप कंडीशनिंग शैम्पू यूज किया है। इसके बाद आपको कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। एंड लास्ट में जो हमने आधा चावल का पानी बचाया हुआ था उसमें अपने बालों को डिप करना है और इसके बाद आपको पानी से वॉश नहीं करना है। ऐसे ही बालों को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इस हेयर वॉश से आपको 30% रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो जल्दी से इस वॉश के साथ अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करें और वीडियो को लाइक भी करें। गाइस, हमारी सीरीज चल रही है, दैट इज 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज, जिसका है आज डे 4। अगर आपको भी अपने हेयर्स में विजिबल रिजल्ट देखनी है तो आप डे 1 की रेमेडी से स्टार्ट करें। तो कल हमने हेयर वॉश किया था और साथ ही लास्ट रिंस राइस वाटर से किया था। तो आज है हमारे बालों को रेस्ट डे, कम्प्लीटली नहीं पार्शियली रेस्ट डे होगा। आज हम अपने हेयर्स में कोई भी रेमेडी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि राइस वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर्स के लिए। इसके अलावा आज बस हम अपने हेयर्स में 20-30 टाइम कॉम्ब करेंगे एंड 5 मिनट नॉर्मल मसाज एंड 5 मिनट इन्वर्जन मसाज करेंगे। मसाज से हमारे रूट्स में जो नेचुरल ऑयल निकलता है वो अच्छे से निकल जाएगा। ये हमारे बालों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारी बॉडी के लिए पानी जरूरी है। तो आज हम अपने स्कैल्प में नेचुरल ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे। ये भी बहुत पावरफुल रेमेडी है हमारे हेयर्स के लिए। तो ये था डे 4। डे 5 के लिए आपको ग्रीन टी चाहिए होगी। तो जल्दी से आज भी अपनी वीडियो बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय। गाइस, आज इस सीरीज का डे 5। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज। अगर आपको भी अपने हेयर्स में 7 डे में विजिबल रिजल्ट देखने हैं तो डे 1 की रेमेडी से स्टार्ट करें। डे 5 के लिए हम एक क्लींजिंग टोनर प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आपको एक ग्रीन टी, उसमें 1 कप पानी डाल के आपको 2 मिनट के लिए उबालना है। ठंडा होने के बाद उसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालना है। मिक्स कर या तो स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर ले, नहीं तो कॉटन की हेल्प से अपने हेयर की रूट्स में इसे अच्छे से लगाएं। ये टोनर हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्लीन करेगा, हेयर की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बाल तेजी से ग्रो करेंगे, साथ ही स्प्लिट एंड्स को भी खत्म करेगा। तो आप अपने हेयर के एंड में भी इसे जरूर लगाएं। इस टोनर को लगाने के बाद अच्छे से मसाज करनी है। जब आपको लगे कि ये आपके बालों से अच्छे से ड्राई हो चुका है तब आपको अपने बालों को टाई कर लेना है, हेयर वॉश नहीं करना है। डे 6 के लिए आपको कड़ी लीव्स और आंवला चाहिए होगा। तो ये था डे 5। जल्दी से टोनर को
प्रिपेयर करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच। हे गाइस, आज इस सीरीज का सेकंड लास्ट डे, आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट देकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारी सीरीज एकदम सक्सेसफुल रही। आप लोगों के हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सबसाइड हो गई है। जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, आप लोग देख रहे हैं 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज का डे 6। अगर आपको भी अपने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो डे 1 की रेमेडी से स्टार्ट करें। डे 6 के लिए हम एक रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला टोनर बनाएंगे। इसके लिए आपको 8 से 10 कड़ी पत्ता, उसमें 2 आंवला को काट कर 1 कप बॉइल्ड वाटर डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसे छान कर अपने हेयर के रूट्स पर फोकस कर पूरे बालों में लगाएंगे। इस टोनर से हमारे बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे, बाल अपनी जड़ों को एकदम टाइटली पकड़ लेंगे, साथ ही हेयर नेचुरल ब्लैक हो जाएंगे। अच्छे से लगाने के बाद 1 आवर तक इसको आपको रखना है। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू लेना है, जैसे डव, क्लिनिक प्लस, इसे हेयर वॉश कर लेना है। डे 6 के लिए आपको 2 बनाना और हनी चाहिए होगा। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। आज हमारी सीरीज दैट इज 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज का लास्ट डे, और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे में बोला था कि आपको 7 डे में विजिबल रिजल्ट नजर आएंगे, जो आप लोगों को मिल चुके हैं ये मैं नहीं है, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट बता रहे हैं। तो लास्ट डे के लिए हम एक स्मूथनिंग मास्क बनाएंगे। इसके लिए आपको 2 राइप बनाना को काट कर 1 चम्मच शहद डालकर 1/2 कप बॉइल्ड वाटर डालकर बारीक पीस लेना है। फिर इसे अपनी हेयर लेंथ पर अच्छे से लगाना है, साथ ही रूट्स में भी अच्छे से लगाना है। 1 आवर इसको अपने हेयर्स में रहने देना है। ये हेयर मास्क आपके बालों को एकदम शाइनी कर देगा, साथ ही स्प्लिट एंड्स को भी काफी हद तक कम करेगा। इसके बाद आपको अपने हेयर को वॉश करना है। पहले पानी से अच्छे से इस मास्क को निकाल लेना है, नहीं तो सूखने के बाद गम की तरह चिपक जाएगा। इसके बाद नॉर्मल शैम्पू को डाइल्यूट कर बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड एक बात और बताओ मुझे, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सीरीज को 15 डे तक कंटिन्यू रखो। अगर आप भी ये चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। मैक्सिमम कमेंट हो गए तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।